ईपीएफ पर बजट प्रस्ताव से यूटर्न ले सकती है सरकार, पीएम लेंगे आखिरी फैसला। ईपीएफ निकासी पर ईपीएफ में 60% कॉन्ट्रीब्यूशन पर बने ब्याज पर है टैक्स का प्रस्ताव। कीर्ति चिदंबरम पर कार्रवाई की मांग को लेकर संसद में दिनभर हंगामा, जी न्यूज पर जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद कीर्ति की सफाई, कानूनी है बिजनेस। गृह मंत्रालय करेगा इशरत जहां मामले से जुड़ी फाइलों की जांच, गुजरात पुलिस के अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट से की आपराधिक मुकदमा रद्द करने की अपील। जेएनयू देशद्रोह मामले में उमर खालिद और अनिर्वाण पर कानूनी शिकंजा बरकरार, दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कैलाश चौधरी के मामले में संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ का बयान, कोर्ट में विचाराधीन मामले पर नहीं हो सकती चर्चा, स्पीकर ने भी किया चर्चा करने से इनकार, कांग्रेसियों ने सदन में उठाया सदन से किया वॉकआउट। जयपुर एयरपोर्ट ने विश्व मानचित्र पर लहराया अपना परचम, विश्व में जयपुर एयरपोर्ट को मिला पहला स्थान, एयरपोर्ट क्वालिटी सर्विस में टॉप पर जयपुर एयरपोर्ट। रणथंभौर दुर्ग के बादल महल में लड़के की हत्या का खुलासा, प्रेम त्रिकोण में गई लड़के की जान, लड़की के दूसरे आशिक ने लड़के का काटा था गला, लड़की गिरफ्तार, बाकी आरोपी फरार। एशिया कप में भारत और श्रीलंका के बीच मैच आज, भारत के पास आज का मैच जीतकर फाइनल में जाने का मौका, शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रस्तावित भारत पाक क्रिकेट मैच पर विवाद, राज्य सरकार ने सुरक्षा देने में जताई लाचारी, गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। होनी चाहिए ये देश की प्रतिष्ठा का। बजट के बाद शेयर बाजार में बहार, 7 साल में सेंसेक्स की सबसे लंबी छलांग, 777 अंक उछलकर 23,789 अंक पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी में भी लगाया 235 अंकों का जंप।